हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर 4 कंसाइनमेंट अकाउंट का। ठीक है, तो सम नंबर हम आज स्टार्ट करेंगे 18। और मैं आपको एक और बार बता दूं कि अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का चैप्टर नहीं देखा है ये कंसाइनमेंट का, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्योंकि तो अगर आप डायरेक्टली आ रहे हो सम नंबर 18 देखने, मीन्स के लेक्चर 4 देखने, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको बेसिक क्लियर है तो आपको गारंटीड समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना। तो चलिए क्लियर, तो सम नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं। एलजी कंपनी कंसाइंड 100 AC टू सूरत ट्रेडिंग। एलजी कंपनी यहाँ पे कौन हो गया? यहाँ पे एलजी कंपनी कंसाइनर हो गया, और कंसाइनी कौन हो गया? सूरत ट्रेडिंग कंपनी। 1/1/2010 को भेजा है, और इनवॉइस प्राइस कितनी है? 20,000। लेकिन ये इनवॉइस प्राइस 25% एडिंग प्रॉफिट के बाद है। हमको कौन सी प्राइस एक्चुअल में होनी चाहिए? हमारी कॉस्ट प्राइस। तो ये कैलकुलेशन तो मैं जब सम करूंगा तब आपको समझा दूंगा, और इसकी इफेक्ट कहाँ आएगी वो भी मैं आपको जब सम करेंगे सब समझा दूंगा। तो एलजी कंपनी जो कंसाइनर है उसने 2500 फ्रेट का, 5000 इंश्योरेंस का, और 7500 सेंडिंग गुड्स, ठीक है, उसके लिए खर्चा किया है कंसाइनर ने। उसके बाद कंसाइनर ने कंसाइनी को फाइलेक का जो बिल दिया था वो उसने एक्सेप्ट कर दिया। क्लियर, 5 लाख रुपीज का 5 मंथ्स के लिए। लेकिन एलजी कंपनी मतलब जो कंसाइनर था उसने 2 महीने के बाद 12% डिस्काउंट के साथ वो बिल जो है वो डिस्काउंट करवा दिया बैंक से। क्लियर, उसके बाद कमीशन के पॉइंट आ रही है। 10% हम उसको जनरल कमीशन दे रहे हैं, और 5% डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं। जनरल कमीशन मतलब जो भी वो टोटल सेल करेगा उस पर 10% हम उसको कमीशन दे देंगे। साथ ही साथ हम उसको 5% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। वो किसके लिए दे रहे हैं? वो ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे जो भी माल भेजेगा उसको 5% उस पर कमीशन मिलेगा। लेकिन वहां पे होल्ड एंड सोल जो भी अगर वो बैड डेब्ट्स होते हैं उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? कंसाइनी की रहेगी। क्लियर, मतलब बैड डेब्ट्स की कोई भी एंट्री अपने बुक्स में नहीं आएगी, उसके बुक्स में आएगी, वो देखेगा, अपन को वो नहीं देखना है। उसके बाद हम उसको एडिशनल 10% नेट प्रॉफिट का भी, उसको जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% भी हम उसको पे करेंगे। तो ठीक है, ये तो यहाँ पे उसके कमीशन और प्रॉफिट की बात आ जाती है। अब उसने हमें क्या क्या दिया है वो देख लो। उसने 31/12/2010 को ये सारी चीजें उन्होंने बताई है, किसने? कंसाइनी ने, कि उसने 1000 कैरेज के लिए, 4000 ऑक्ट्रॉय के लिए, और 1360 एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया है। तो यहाँ पे जो कैरेज का और ऑक्ट्रॉय का खर्चा है वो नॉन रिकरिंग खर्चा है। तो हम जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू काउंट करेंगे या एबनॉर्मल लॉस काउंट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये खर्चा हम काउंट करेंगे। लेकिन बाकी जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो नॉन रिकरिंग नहीं है, वो रिकरिंग वाला है, तो वो काउंट हमें नहीं करना है। उसके बाद इसने सेल की डिटेल दे दी है। ये सेल की डिटेल है, ये जब हम सम करेंगे तब देख लेंगे। और 1/25 है वो एबनॉर्मल लॉस की भी एंट्री है, या जो भी गेन होगा तो वो एंट्री है। और साथ ही साथ वो डेमेज गुड्स 50% लेस कैश में बेच रहा है, मतलब ये 6th पॉइंट भी एक तरह की सेल की एंट्री भी काउंट होगी, मतलब हाफ सेल में होगी और हाफ इसकी दो कैलकुलेशन होगी। इन शॉर्ट एक एबनॉर्मल लॉस या गेन जो उसकी कैलकुलेशन होगी, और एक लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है जो भी हम इसको सेल कर रहे हैं उसकी एंट्री होगी। उसके बाद 7th पॉइंट पे जो भी आपके बैड डेब्ट्स है उसकी एंट्री है। तो जब सम सोल्व करूंगा तब मैं आपको शो करूंगा कैसे करना है। और बाकी का जो गुड्स कंसाइनी के पास पड़ा है उस पर रिपेयरिंग का खर्चा 2000 का आता है। इसकी एक ही एंट्री आती है, वो बुक्स में भी नहीं आती है, मतलब ना कंसाइनमेंट अकाउंट में आती है ना कंसाइनी अकाउंट में आती है। जो भी हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं एट द लास्ट, उसमें से 2000 रिपेयरिंग खर्चा माइनस हो जाता है, जिससे ये 2000 माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंट्री आती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे वैल्यू हमें जो लेनी है ना परफॉर्मा की लेनी है, 20,000 इंटू कर देंगे 100, तो
20,000 इंटू 100 कितना हो गया, 20 लाख रुपीस। अब इसके रिवर्स एंट्री करेंगे क्योंकि अपने बुक्स में अगर हमने 25% ज्यादा दिखा दिया तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा बोलेगा, इसलिए हमें रिवर्स एंट्री माननी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस और ये इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे 25% ऐड कर रहा है ना, और इनवॉइस प्राइस है तो उसको 100 ले लो और इसको 75 ले लो, 25 माइनस, क्योंकि 25% ऐड हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 100 पे 20,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो ये 15,000 होगी। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, हमने ज्यादा बुक किया 5,000 का, तो वही 5,000 का हमें रिवर्स एंट्री कर देना है। और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ऑन इनवॉइस प्राइस था, इसके लिए मैंने 100 उसको लिया, तो 50,000 इंटू 100 तो कितना हो जाता है, 5 लाख। उसके बाद सेकंड इफेक्ट क्या है, देखे उसने जो खर्चा किया है वो हम बुक कर देते, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और सब प्लस कर देता हूँ मैं एक साथ, आप एग्जाम में अलग अलग दिखाना। 2,500, 5,000 और 7,500, 2,500, 5,000, 7,500, टोटल आई थिंक 15,000 आता है बराबर। उसके बाद क्या बोला है कि 5 लाख का जो है एडवांस दे दिया है उसने, और वो कंसाइनर ने 2 मंथ्स के बाद बैंक से डिस्काउंट कर दिया है। तो पहली एंट्री जो आती है वो कंसाइनी के अकाउंट में आएगी, यहाँ पे बाय बैंक ड्राफ्ट, इधर लिखेंगे एडवांस कितना, 5 लाख रुपया। अब यहाँ पे बिल डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर दो, जो भी बीआर था मतलब बिल जो था बैंक ड्राफ्ट था उसका 12% निकाल दो, मतलब जितना परसेंट बोला, तो 5 लाख का 12% कितना आता है आपका, 60,000। अब इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, ये 12 महीने का था ना, तो महीने का कितना होगा, 5,000 होगा। अब कितने महीने का हमें बिल एक्सेप्ट हुआ था, 5 मंथ्स का, उसने कितने महीने के बाद डिस्काउंट कर दिया, 2 महीने के बाद, तो कितना मंथ अर्ली किया, 3, तो जितना मंथ अर्ली होता है वो उतना इंटू कर देना, इंटू 3, 15,000। ये कैलकुलेशन याद रखोगे, कभी भी बीआर डिस्काउंट में गलती नहीं करोगे आप एग्जाम में। तो यहाँ पे लिख दो टू बी आर डिस्काउंट 15,000, तो ये भी एंट्री हमारी होगी, कमीशन की एंट्री तो सेल के बाद आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम करते जो कंसाइनी ने खर्चा किया वो बुक कर देते, तो 1,000, 4,000 मतलब 5,000 और 1,360 मतलब 6,360 कंसाइनी के अकाउंट में लिख दो, यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस कितना होगा, 6,360 बराबर 1,000 प्लस 4,000 प्लस 1,360। और यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आएगा, टू कंसाइनी एक्सपेंस 6,360। उसके बाद सेल की एंट्री ये रही यहाँ पे, अब सेल कैसे कैसे किया वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ही सोल्ड 3/5 AC, 30% प्रॉफिट इन कैश, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेल, तो सबसे पहले AC उन्होंने किया 3/5 सेल किया है, तो 100 इंटू 3/5 कितना होता है पहले वो निकालो, तो 60 AC उसने सेल किया है, कितने में किया है, 30% प्रॉफिट ऐड करके, तो 20,000 पे 30% प्रॉफिट ऐड कर दो तो 26,000 आएगा, प्रोफोमा वाले वैल्यू पे ही प्लस करना, कितना 20,000 प्लस 30%, ये एग्जाम में इस तरह से दिखाना, तो टोटल कितना हो जाता है आपका, 60 इंटू 26,000, तो 15,60,000 का तो आपने कैश में सेल कर दिया। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या बोलता है, 1/5 AC, 50% प्रॉफिट ऐड करके हमें राज एंड ब्रदर्स को क्रेडिट पे भेज दिया,
तो 1/5 AC कितना होता है आपका, 20। इसको 50% प्रॉफिट पे मतलब 30,000 पे, तो थर्टी थाउजेंड इंटू 20 कर देंगे तो हमारा हो जाता है 6 लाख रुपीस। ये हमने क्रेडिट पे, सॉरी कंसाइनी ने क्रेडिट पे बेचा है, लेकिन खुद की जवाबदारी पे। वो हमें कैसे पता चला? अगर कंसाइनर की जवाबदारी होगी तो ये लोग क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि तो फोर्थ पॉइंट में दे दिया है, देखो जॉय ब्रदर्स को वो बेच रहा है ना, तो एज पर एलजी एंड कंपनी रिकमेंडेशन, ठीक है ना, तो ये बता देंगे। तो ये जो क्रेडिट है वो किसकी जवाबदारी है? वो कंसाइनी की जवाबदारी है। तो इस पे जो भी बैड डेब्ट्स आएगा वो कंसाइनी का जवाबदारी है, और इस पे हमको डेल क्रेडिट कमीशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद 1/20 ऐसे 40% प्रॉफिट के साथ बेचा है, तो 1/20 एसी कितनी होती है पहले वो देख लेते हैं। 5 AC होती है, 40% प्रॉफिट, तो 28,000। 20,000 का 40%, तो 28,000 इंटू 5 करोगे तो 1,40,000। कितना उसने एसी कंसाइनर के रिकमेंडेशन पे क्रेडिट पे बेचा। ये खाली लिखने का है हमें, कि हमें जब टेल क्रेडिट कमीशन करे तो गलती ना हो हमारे से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोला इन्होंने, 1/100 AC वो अपने पर्सनल यूज के लिए इनवॉइस प्राइस पे ले गया है, तो 100 इंटू 1/100 मतलब 1 AC हो गया, क्योंकि तो वो इनवॉइस प्राइस पे ले गया, तो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। देखो अगर कंसाइनी ने 15,000 अगर उसको बिल दिया होता तो वो 15,000 में ले जाता, तो यहाँ उसका नुकसान हो सकता था। इसके लिए वो ज्यादा भाव से कंसाइनी को बेचता है माल। उसके बाद जो ये वाली पॉइंट है ना, एबनॉर्मल लॉस वाली, उसका देखो किस तरह से कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ये पॉइंट को यहाँ पे छोड़ दो, खाली यहाँ तक लिखो 100 इंटू 1/25 AC, तो 100 इंटू 1/25 AC तो कितना आती है आपकी, 4 AC आती है। अब इसकी कॉस्ट क्या रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इस तरह से रहेगा। कभी भी ऐसे पॉइंट आए तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो एबनॉर्मल लॉस या गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो टोटल 4 AC इंटू 15,000 करेंगे हम, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो 15,000 इंटू 4 करेंगे तो 60,000 का आपका कॉस्ट बैठा। इसमें प्लस कर दो कंसाइनर का एक्सपेंस, तो कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था, 15,000 का खर्चा किया था, कितने पे, 100 AC पे, तो आपके 4 AC पे कितना खर्चा होगा, तो 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, तो 600 रुपीज कंसाइनर का खर्चा हुआ। उसमें प्लस कर दो एक और चीज, कंसाइनी का खर्चा, उसने कितना खर्चा किया था, 5,000, क्योंकि 1,000 वो फ्रेट वाला और 4,000 जो है उसका ऑक्ट्रॉय का या जो भी था, खाली एडवर्टाइजमेंट वाला मत नहीं ले रहा हूं। तो 5,000 100 पे किया था, तो 4 पे कितना, तो 200 रुपीज। तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी बैठी, 60,800 इतनी मेरी कॉस्ट बैठी, बराबर। तो 60,800 जो मेरी कॉस्ट बची ना, ये 4 AC का तो 60,800 है, ये एट द रेट है, ये भी मैं नहीं लिखता हूँ, चलो 60,800 जो मेरी कॉस्ट बैठी ना, उसमें से 50% लेस करके मैंने उसको कैश में बेच दिया, तो मतलब आधे भाव में, तो 30,400 यहाँ पे लिख दो पर्सनल यूज, और यहाँ पे लिख दो 50% लेस ऑन कैश, तो यहाँ पे टोटल कर दो 15,60,000 प्लस 6 लाख प्लस 1,40,000 प्लस
यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा मारा है मैंने। फिर उसमें प्लस करो 20,000 आपके पर्सनल यूज वाले और 30,400 लॉस हुआ, तो टोटल सेल हमारी हो रही है 23,50,400। ठीक है, टोटल सेल हमारी कितनी हो रही है, 23,50,400। पहली एंट्री कंसाइनी के अकाउंट में हम यहाँ पे लिख देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल सेल, तो 23,50,400, और कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल सेल 23,50,400। तो ये हो गया हमारा कंसाइनी का खर्चा जो हमने बुक कर दिया, और सॉरी कंसर्न टोटल सेल था जो हमने बुक कर दिया। अब सेल बुक हो चुका है ना, अब हम यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस जो है वो बुक करेंगे। तो 60,800 का हमारा टोटल गुड्स है, यहां तक हमने कर दिया था, उसमें से लेस कर दो इंश्योरेंस क्लेम जो भी है एक्सेप्ट हुआ है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ है, तो 60,800 में से 30% माइनस कर दो, तो 42,560 इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। और एक और चीज लेस करनी है आपको, जो आपने सेल किया 50% लेस, तो 60,800 का 50% किया था हमने, 30,400 में सेल किया था, तो 60,800 का कॉस्ट था, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 42,560 दिया और 30,400 का हमने सेल में से कमाया, तो 12,160 हमको ज्यादा मिला। तो ये मेरा लॉस नहीं हुआ, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैं इसको बोलूंगा एबनॉर्मल गेन। ठीक है, 60,000 का कॉस्ट था, 15,000 के हिसाब से कंसाइनर कंसाइनी का खर्चा मैंने ऐड किया, तो मुझे टोटल कॉस्ट मिली मेरे 4 AC की, उसमें से मेरे को इंश्योरेंस क्लेम दे रहा है 70%, मतलब 42,560, और सेल में से मैंने 30,400 कमाया, तो टोटल मेरे को पैसे कितने मिले 4 AC के, 42,560 प्लस 30,400 72,960, मेरी कॉस्ट कितनी थी 60,800, तो 12,160 मेरे को ज्यादा मिले, तो मेरा यहाँ पे लॉस नहीं बल्कि गेन हुआ। तो इसको एंट्री कैसे करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में आपका क्रेडिट सेट सेल की एंट्री जो 30,400 थी वो तो इस सेल में आ चुकी है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एंट्री करनी है इंश्योरेंस क्लेम की, जो हम नॉर्मली करते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा 60,800 का 70% मिला, मतलब 42,560। अब हमें PNL में जब नुकसान होता था तो कंसाइनमेंट में हम क्रेडिट साइड एंट्री करते थे, अब हमें फायदा हुआ है तो हम डेबिट साइड करेंगे, टू एबनॉर्मल गेन यहाँ पे लिख दो PNL अकाउंट, कितना हमें फायदा हुआ है 12,160 12,160। क्लियर, तो ये हमारा लॉस का एंट्री भी हो गया। उसके बाद हमारा बैड डेब्ट्स का एंट्री देख लेते हैं, तो ये बोल रहा है बैड डेब्ट्स जो है ये किसका रहेगा, बैड डेब्ट्स इसका, तो कंसाइनर के रिकमेंडेशन पे हमने मतलब कंसाइनी ने माल बेचा था, तो 1,40,000 का 90% मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला है 10% नहीं मिला है, तो 1,40,000 का 10% निकालूंगा तो 14,000 नहीं मिला। अब 14,000 का भी हमें 90% पैसा मिल चुका है, 90 पैसा मतलब 90% क्या बोलते हैं, रिसीव 90 पैसा पर रुपी एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम देयर इस्टेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बेच के हमको 90 रुपया मिल गया, मतलब 90 टका मिल गया, तो 10 टका इसका भी नहीं मिला, तो 1,400 हमारा जो हुआ वो एक्चुअल बैड डेब्ट्स हुआ। बराबर ना, समझे आप, कि 41 का माल बेचा था उसमें से 10% नहीं मिला, उसने पैसा ही नहीं दिया,
लेकिन जो उसका 10% हमें पैसा नहीं मिला था 14,000, उसमें से भी 90% हमको मिल चुका। कैसे? उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड है, स्टेट लिख रहा है, मतलब यही कुछ समझ लो। तो 10% नहीं मिला, तो 14,000 में से भी 10% नहीं मिला, मतलब एक्चुअल बेड डेब्ट हमारा आता है 1400। इसकी पहली एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट बैड डेब्ट्स, क्योंकि हमें कंसाइनी के अकाउंट में भी बुक करना पड़ता है 1400, और कंसाइनी के अकाउंट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेब्ट्स कितना 1400। तो हमारी सारी एंट्रियां हो चुकी है सिवाय क्लोजिंग स्टॉक के, बराबर। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल स्टॉक मेरे पास कितना था एसी का, वो 100 एसी थी, उसमें से लेस करूंगा सोल्ड या डिस्ट्रॉय जो भी हुई है। तो यहाँ ऊपर ही देख लेते हैं, तो पहले तो 60 एसी बेची, फिर 20 बेची, फिर 5 बेची, फिर 1 बेची, फिर 4 डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय तो नहीं, मतलब खराब हो गई, और हमने उसको बेच दी। फिर भी तो 90 का तो हिसाब किताब हो चुका है, बाकी हमारे पास बचती है वो 10 एसी बचती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 10 एसी, तो 10 × 20,000 करेंगे। यहाँ पे प्रोफोमा वाला वैल्यू, एक इसका क्लोजिंग स्टॉक का और एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब फर्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी होगी ना वो परफॉर्मा वाली होगी। तो 20,000 × 10 करेंगे तो 2 लाख रुपया यहाँ पे हमारा जाता है, टोटल 10 एसी का परफॉर्मा वैल्यू। इसमें प्लस कर दो कंसाइनर का एक्सपेंस, तो उसने कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था 15,000 100 एसी पे, तो 10 पे कितना तो 1500, और इसमें प्लस कर दो कंसाइनी का खर्चा, तो उसने कितना खर्चा किया था 5,000 नॉन रिकरिंग वाले, ठीक है 100 पे, तो 10 पे कितना तो 500। तो टोटल मेरा वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का आता है 2,02,000, जिसमें से मैं लेस कर दूंगा रिपेयरिंग का खर्चा कितना 2,000 रुपये। तो टोटल मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आता है 2 लाख रुपया, टोटल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। तो यहां पे मैं नोट डाउन कर देता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख देना है मेरे को बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 2 लाख रुपया। अब मुझे इसकी रिवर्स एंट्री माननी पड़ेगी, किसकी मैं बता रहा हूं मैं आपको, टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना स्टॉक था 10,000, और कितना मैंने ज्यादा ले लिया, सॉरी कितनी एसी थी, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था 10 एसी का, और डिफरेंस कितना है इनवॉइस प्राइस और पोस्ट प्राइस पे 50,000। तो ये रिवर्स यहाँ पे इस तरह से रहेगा, तो आपका टोटल कितना आ जाता है, तो रिजर्व आपका आ जाएगा 10 × 5,000, ऐसे है आपका 50,000। क्लियर? अब यहां पे हम लास्ट एंट्री हमारी बचती है कि उसको जो 10% का नेट प्रॉफिट का 10% देना है वो एंट्री करके फिर सम को टैली करना है। तो सबसे पहले हमको अगर ये 10% नेट प्रॉफिट करना है तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं कितना आता है, 5 लाख + 23,50,400 + 42,560 + 2 लाख, तो 30,92,960 मेरा टोटल आया। अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूं,
डेबिट साइड का टोटल 20 लाख, 15 हजार, 15 हजार, 66 जीरो, 12160, 1400 और 50,000। एक और चीज मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया लगता है, हमारी कमीशन की एंट्री रह गई है लगता है, कमीशन की एंट्री रह चुकी है, तो कमीशन हम यहाँ पे नोट आउट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, तो टोटल मेरा सेल यहाँ पे मैंने किया था कल, यहाँ पे सेल कितना हो रहा है मेरा टोटल, ये रहा 23,50,000। तो 23,50,000 पे मेरी जनरल कमीशन कितनी आएगी, 10%। बराबर, नहीं, 23,50,400 आएगा, 23,50,400। अब तो 23,50,400 का 10% कितना होता है, 2,35,040, और 5% क्या देना है हमको, डेल क्रेडिट कमीशन देनी है, तो वो कितने पे देंगे हम, 6 लाख पे देंगे। थर्टी थाउजेंड हमारा टेल क्रेडिट कमीशन हो जाता है, तो 2,35,040 प्लस 30,000, तो 2,65,040 ये हमारी क्या हो जाती है, कमीशन हो जाती है। किसको देनी है, कंसाइनी को देनी है, तो यहाँ पे लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 2,65,040, और यहाँ पे लिख दो टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन 2,65,040। फर्स्ट अभी ये माइनस कर देना है हमें, वापस कर लेते हैं 3,092,960 -20 लाख -15,000 -15,000 -6,360 -12,160 -1,400 -50,000 -265,040, तो 72,800 यहाँ पे देख लो आपका प्रॉफिट आता है, 7,28,000 का। अब इसका 10%, 72,800 ये कंसाइनी को हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कंसाइनी अकाउंट, अब 72,800 जो है आपका वो माइनस कर दो, तो 6,55,200 है ये आपका टोटल टू पीएनएल अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देख लेते सब में आया कि नहीं, ये रहा 6,55,200, 6,55,200, ठीक है, प्रॉफिट आ गया। अब हम कंसाइनी का अकाउंट डेली कर लेते, जो भी पैसा बचेगा कंसाइनी को देना पड़ेगा बैंक ड्राफ्ट से, तो ये तो 23,50,400 आया, यहाँ पे हम दे देंगे इसको कंसाइनी को बाय बैंक ड्राफ्ट से, कंसाइनर को दे देंगे बैंक से, तो 23,50,400 में से माइनस कर दो 5 लाख, माइनस कर दो 6,360, माइनस कर दो 1,400, माइनस कर दो 2,65,040, तो आपका, और यहाँ पे प्रॉफिट भी तो एक एंट्री करनी है, प्रॉफिट की एंट्री, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट 72,800, और यहां पे आ जाएगा बाय बैंक ड्राफ्ट 15 लाख
4,800, तो ये हमारा हो गया टोटल सम कंप्लीट। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा लेक्चर नंबर 4 कंसाइनमेंट अकाउंट का पूरा अच्छे से सम समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।